हेलो दोस्तों, रियल सिविल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम आज पूरा एक बिल्डिंग का स्लैब डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो जनरली हमारे प्लान में क्या होता है, 90% टू वे स्लैब होते हैं, 10-20% वन वे स्लैब होता है। वन वे स्लैब कहाँ पे आएगा, जहाँ पर आपका गैलरी है या फिर वो पोर्च है, कॉरिडोर है, मतलब शॉर्ट जिसकी विड्थ ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर आपका वन वे स्लैब आएगा। तो जनरली टू वे स्लैब होता है। तो इस एक एग्जांपल में आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, लाइव लोड है 4 kN, फ्लोर फिनिश 1, विड्थ ऑफ बीम 300, और बोला है कि M20 और FE415 यूज करके डिजाइन करना है। सो दीज आर द डायमेंशंस, 5x3, 5x3, 5x4 एंड 5x3। देन ओके, तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है, टू वे स्लैब डिजाइन करते वक्त जो उसका डिज़ाइन है तो वो डिपेंड करता है एंड कंडीशन पे। सो इसका एंड कंडीशन यहाँ पे अलग है, तो हम इसे हम S1 करते हैं। सिमिलरली ये भी S1 है, ये भी S1 है हमारा, ठीक है। तो अभी जो ये सारे स्लैब है, ये सारे S2 है, ओके। ये S2 है हमारा, ये S2 है। अभी मैं किस बेस पे कर रहा हूँ, IS 456 के अगर आप आखिर के कुछ पन्ने में जाएंगे, 90 पेज पे आई थिंक, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 2 edges डिसकंटिन्यूस, 1 short edge डिसकंटिन्यूस, 1 log edge डिसकंटिन्यूस, इंटीरियर पैनल। डिपेंडिंग ऑन दैट ये स्लैब के टाइप्स पड़ते हैं और उसके ऊपर हमें डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 log edge डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पे भी वैसा ही है, इसलिए ये S3 है। यहाँ पे 1 short edge डिसकंटिन्यूस है, इसलिए S2, मतलब एक जो शॉर्ट एज है वो डिसकंटिन्यूस है, मतलब इसके यहाँ कोई स्लैब नहीं है, बाकी के यहाँ कंटिन्यूस स्लैब है। ये S4 दिया है क्योंकि ये पूरा इंटीरियर पैनल है, मतलब इसके चारों साइड को हमारे स्लैब है, ठीक है। तो ये हमारा पहला काम हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कॉर्नर स्लैब से, जो कि है S1। तो हमारा पहला जो स्टेप है वो हमें चेक करना है कि ये वन वे है या टू वे। यहाँ पे हमें मैंने पहले ही लिख दिया है, क्योंकि 5x3 मतलब लॉन्गर अपॉन शॉर्टर स्पैन, इनका अगर रेशो लिया और 2 से नीचे आया तो वो बन गया टू वे स्लैब, ओके। नाउ अभी क्या है, ये सारा पूरा बिल्डिंग एज अ कंटिन्यूस एक्ट होता है, ठीक है, इसलिए हम कंटिन्यूस भी स्लैब डिजाइन करेंगे। डिफरेंस इतना ही होगा, यहाँ पे 26 की जगह 20 आएगा अगर आप सिंपली सपोर्टेड पे जाओगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या है, हमारा डेप्थ कैलकुलेट करना। तो उसका फॉर्मूला है L/D = 26 × MF, जो कि आपको पेज नंबर 37 पे ये कंडीशन मिल जाएगा कंटिन्यूस स्लैब का। अभी हम PT एज्यूम करते हैं, ओके। नाउ हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में हमें लेंथ मालूम है, मॉडिफिकेशन फैक्टर को हमें फाइंड आउट करना है। तो आइदर आप ग्राफ यूज कर सकते हो या फिर ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से बेस्ट है, सिंपल है, ग्राफ की जरूरत नहीं। तो 1/1 + 0.625 log PT ये फॉर्मूला है। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ log PT मतलब जो हमने स्टील एज्यूम किया था उसकी वैल्यू डालो, आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर मिल जाएगा। अभी रिसब्स्टिट्यूट करो तो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी 76.92 mm, ओके। तो हम जनरली क्या करते हैं, उससे ज़्यादा हम एज्यूम करते हैं। तो हमने यहाँ पे डी 100 mm एज्यूम कर लिया, ओके। नाउ हम 10 mm का बार भी एज्यूम कर लेते हैं स्लैब के लिए। तो टोटल डी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इफेक्टिव प्लस 5 mm स्टील का मतलब ये पूरा, और प्लस 20 mm हमारा क्लियर कवर। तो हमारा डी हो जाएगा 125 mm टोटल, ओके। ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप अभी क्या है, पेज नंबर 34 क्लॉज नंबर 22.2 B में आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा इफेक्टिव स्पैन का क्लॉज। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखो, विड्थ ऑफ सपोर्ट उन्होंने दी थी 300 mm, या विड्थ ऑफ ये बीम भी कह सकते हो, ओके। वो अगर हम सब्सट्रैक करें LX, हमें हाँ LX ही यूज करना है, अभी LX से हम सब्सट्रैक करेंगे तो 2700 mm हमारा क्लियर स्पैन आ जाएगा। अभी क्या करना है, इसका 1/12 लेना है। इसका 1/12 लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगी 2 to 5 mm, ओके। तो ये वैल्यू विड्थ ऑफ सपोर्ट से अगर लेस है
तो इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू क्लियर स्पैन होता है, तो हमारा जो भी ये क्लियर स्पैन है वही हमारा इफेक्टिव स्पैन बन जाएगा। इसका और भी एक क्लॉज है, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन जनरली इसी कैटेगरी में हम आ जाते हैं। ओके, तो ये हमारा इफेक्टिव स्पैन का हो गया। सिमिलरली आप LY के लिए कीजिए, जैसे कि यहाँ पे LX के लिए किया, यहाँ पे आप LY के लिए भी कर सकते हो। 5000 लिखो और पूरा स्टेप क्लियर करो और LY की वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप, जो कि हमारा लोड कैलकुलेशन का है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहला सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, मतलब स्लैब का खुद का वेट कितना है, तो वो होता है टोटल डेप्थ इंटू 25। मीटर में सब हम लिखते हैं 0.125 इंटू 25 आया 3.125। फ्लोर फिनिश है 1, लाइव लोड है 4, सबकी एडिशन आई 8.125, इसको फैक्टर्ड किया 1.5 से तो आया 12.187। तो हमने 12.20 को थोड़ा सा राउंड ऑफ करके लिख दिया इधर, ठीक है। तो ये काफी आसान स्टेप है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं लोड कैलकुलेशन। ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से शुरू होता है। इस पेज को आप ध्यान से देखो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी हमारा स्टेप क्या होता है, पहला हम लोड निकालते हैं, लोड के बाद मोमेंट, और मोमेंट के बाद उसे हम डिजाइन करते हैं। तो पहले हम डिजाइन मोमेंट निकालते हैं फॉर स्लैब S1, जो कि यहां पे है S1। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, पहले हमें क्या करना है, आपको IS-456 के टेबल नंबर पेज नंबर 91 को ओपन करो और टेबल नंबर 26 को। तो यहाँ पे क्या, आपको एक टेबल मिलेगा जिसमें आपको LY बाई LX की वैल्यू चाहिए। LX जो कि हमने फाइंड आउट किया था 2700 और LY मैंने आपको बोला था करो, तो उसका रेशो कितना आया 1.74। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपके स्लैब की कंडीशन अभी कौन सी आ रही है देखो। तो हम S1 पे अभी फोकस कर रहे हैं, तो इसका क्या कंडीशन है, टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूस, जो कि केस नंबर 4 है। ओके, तो केस नंबर 4 में जाके हमें अल्फा एक्स नेगेटिव पॉजिटिव अल्फा वाई नेगेटिव पॉजिटिव निकालना है। अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करो, ये मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है, ये बहुत से स्टूडेंट को समझ नहीं आता क्या होता है ये, क्यों निकालते हैं, ठीक है। तो अभी 1.74 LY/LX करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है, चार वैल्यू मिल जाएंगे। ये चार वैल्यू क्यों, क्योंकि उससे हम आगे मूवमेंट निकालते हैं। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखो, मैं सामने सामने रख रहा हूं, ये जो आपका स्लैब था उसमें अल्फा एक्स, उनमें से एक्स क्या होता है, LX होता है, मतलब अलोंग LX, मतलब ये जो साइड है ये LX है। तो इसके साइड को ऐसा स्टील जो आएगा उसके लिए अल्फा एक्स नेगेटिव, मतलब क्या, यहाँ पे जो स्लैब खत्म हो रहा है तो सपोर्ट है, तो इसके वजह से जो मूवमेंट आएगी और उसका जो स्टील आएगा तो वो यहाँ पे सपोर्ट पे आएगा एक्स डायरेक्शन को पैरेलल, और अल्फा एक्स पॉजिटिव की जो वैल्यू है यहाँ पे, इसके वजह से जो मोमेंट आएगा और उसको हम डिजाइन करके स्टील निकालेंगे वो बीच में आएगा ऐसे पैरेलल टू एक्स। सिमिलरली वाई, या अल्फा वाई से हमें मोमेंट मिलेगी, मोमेंट से जो स्टील मिलेगा वो हम वाई को पैरेलल लेकिन सपोर्ट के ऊपर वो स्टील आएगा, और जो पॉजिटिव है वो बीच में आएगा। जो शॉर्ट स्पैन का होता है वो नीचे, उसके ऊपर ये अल्फा वाई का आएगा, जो भी शॉर्ट है वो नीचे, जो लॉन्ग है उसके ऊपर। ओके, ये वैसा ही बीच में और सपोर्ट पे होता है, ठीक है। ये अल्फा एक्स अल्फा वाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता। चलिए, तो यहां से काफी सिंपल स्टेप्स होते हैं। MX निकालना है, MX इसका फॉर्मूला जो है इसी टेबल के नीचे दिया गया है, अल्फा एक्स W इंटू LX स्क्वायर, ठीक है। जो अल्फा एक्स आपका था, मैंने पहले पॉजिटिव यहाँ निकाला है, बाद में निगेटिव, MY का पॉजिटिव, MY का निगेटिव इधर निकाला है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेंगे, चार मूवमेंट मिलेंगे और चार एरिया ऑफ स्टील मिलेंगे, जो मैंने कहा दिखाया आपको वहां पे आपको वो प्लेस करना है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी, ठीक है। तो ये MX अल्फा एक्स WLX स्क्वायर, तो सब फॉर्मूले में आप ये रिस्पेक्टिव वैल्यू डाल दो, W की वैल्यू आएगी 12.20 और सभी जगह पे LX ही है, MY को भी LX ही होता है, ये ध्यान में रखो, LY नहीं करने का, ठीक है। तो इसकी वजह से 2.7 सबकी जगह पे आ गया। ओके,
अभी सिमिलरली हमें क्या करना है, जैसे स्लैब वन का किया हमें स्लैब टू का करना है, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया था एलएक्स एलवाई, उसमें से वो इफेक्टिव वजा करके जो भी आपका आएगा रेशियो वो आपको लेना है एलवाई बाय एलएक्स का, ठीक है। अभी स्लैब टू मतलब कौन सा है हमारा, ये है। इसमें क्या है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर मतलब क्या है, छोटा है। तो वन स्मॉल एज डिसकंटिन्यूस और वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस, जो कि केस नंबर टू है। तो आपको केस नंबर टू में जाके अल्फा एक्स अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा वाई नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उन वैल्यू के हिसाब से आपको फिर से यही फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने अभी पिछला दिखाया था ना आपको, ये सेम स्टेप आपको करते जाना है, ठीक है। उससे आपको mx my पॉजिटिव निगेटिव मिल जाएगा। सिमिलरली स्लैब S3, अभी S3 स्लैब हमारा क्या है, वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस केस 3। तो केस 3 में जाइए और 1.74 के लिए देखो, तो आपको ये फिर से 4 वैल्यू मिल जाएंगे, फिर से 4 मोमेंट मिल जाएंगे, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, और स्लैब S4 मतलब हमारा 1 हो गया मतलब ये हो गए, 2 हो गया मतलब ये 2 हो गए, 3 हो गया मतलब ये 2 हो गए, अभी बचा ये, तो वो अंदर है, सबके अंदर है मतलब इनसाइड को है। तो इंटीरियर पैनल मतलब उसके चारों साइड से वो कवर हो चुका है, तो इंटीरियर पैनल केस 1। तो फिर से वही LY बाई LX का रेशियो निकालो, केस 1 में देखो आपको 4 वैल्यू मिल जाएंगी, सिमिलरली 4 मोमेंट भी मिल जाएंगी, ओके। नाउ अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज चालू होता है रिइंफोर्समेंट, जो कि काफी आसान भी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको स्लैब 1 जो कि S1 है इसका डिजाइन आपको बताता हूँ। तो रिइंफोर्समेंट फॉर स्लैब S1 कैसे आएगी, पहले आपको क्या करना है अलॉन्ग LX, मतलब क्या LX होता है हमारा शॉर्टर स्पैन, अलॉन्ग मतलब इसको पैरेलल को, ठीक है, अलॉन्ग LX पैरेलल को, पॉजिटिव मतलब इसके बीच में जो आएगा स्टील सपोर्ट के ऊपर नहीं बीच में, तो उसके लिए हमने MX को चुना, ठीक है। यदि आपको याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि स्लैब S1 था, S1 का हमने अल्फा एक्स अल्फा वाई ये निकाला और उसके हिसाब से हमने 4 मूवमेंट निकाली। तो इन 4 मूवमेंट का हमें यूज करना है रिइंफोर्समेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 5.60 ले लिया, यहाँ का 5.60 इधर ले लिया, डेप्थ हमने अज्यूम किया था, ठीक है। तो अभी हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है 50 FCK/FY into √1 - 4.6 MU/FCK/BD2। तो वैल्यू डाल दो, आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील मिल जाएगा। तो ST निकालने के लिए PT/100 × BD, तो B हमारा 1000 होता है, D हमारा डेप्थ होता है, तो हमारा स्टील आया 161 mm². तो इसका मतलब क्या, हम क्या करेंगे 8 mm का बार यूज करेंगे। तो हम स्पेसिंग निकालते हैं, यूजुअली हम बीम को क्या करते हैं नंबर ऑफ बार बताते हैं, लेकिन स्लैब को हम स्पेसिंग में डील करते हैं, इसलिए स्पेसिंग का फॉर्मूला A1/ST × 1000। तो A1 मतलब क्या, इस एक बार का एरिया, तो π/4 8² डिवाइडेड बाय टोटल ST 161 × 1000, तो वो आया 312 स्पेसिंग, लेकिन हमारा मिनिमम स्पेसिंग 300 होता है, तो हम क्या करेंगे 300 mm स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे प्रोवाइड स्पेसिंग 300 mm, तो स्पेसिंग कम हो गया तो मतलब थोड़ा सा एरिया बढ़ेगा, 161 था तो 167 हो गया, वो भी हम निकालेंगे, ओके। तो जो हमारा ये स्लैब था, तो इस स्लैब के एक्स डायरेक्शन में 8 mm के बार एट स्पेसिंग ऑफ 300 mm हम प्लेस करेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यही मैंने इधर लिखा है, इन मिडल स्ट्रिप अलॉन्ग LX 8 mm बार 300 mm सेंटर टू सेंटर डाल दे दो, ठीक है। सेकेंड क्या है, सिमिलरली कैलकुलेट फॉर LY, अभी हमने इस डायरेक्शन का निकाला, अभी इस डायरेक्शन का निकालेंगे ऐसा, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, अल्फा वाई पॉजिटिव, तो मतलब क्या होगा अल्फा वाई मतलब MY पॉजिटिव, तो MY की वैल्यू कितनी थी 3.11, तो मैंने ये डायरेक्टली निकाला है, जो अभी प्रोसेस जो यूज किया था, फिर से आपको वही प्रोसेस यूज करना है। जब भी 0.12% से नीचे PT आ जाएगा तो आपको क्या करना है कि 0.12% ऑफ BD मिनिमम प्रोवाइड करना है, ठीक है।
तो वो भी आप हमारा आता है 8 mm बार का 300 सेंटर टू सेंटर इन मिडल ट्रिप इन वाई डायरेक्शन। ओके, ये तो जनरल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी चालू होगा, अभी हम मिडल पार्ट से तो डील कर दिए, अभी हमें एज से डील करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये कंटिन्यूस एज है, यस वन टू यस टू। ओके, तो यहाँ के ऊपर का जो स्टील है वो हमें निकालना है। तो जैसे कि मैंने कहा था ये एल एक्स है, और एल एक्स का यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया था वो माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, तो माइनस अल्फा एक्स से हमें एक वैल्यू मिली थी एम एक्स निगेटिव। ओके, तो वो एम एक्स निगेटिव आप देख सकते हो इधर, एम एक्स निगेटिव 7.47। तो उस मोमेंट का हमें एरिया ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा। ठीक है, एस वन टू, सॉरी ये एस वन टू एस थ्री का है, एस वन टू एस टू का भी होगा, एक मिनट चेक करता हूँ मैं। हाँ वो इधर है, तो ये एस वन टू एस टू। ठीक है, तो एम यू एक्स निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसके लिए सिमिलर प्रोसेस, पी टी निकालो, ए एस टी निकालो, ए एस टी निकालने के बाद स्पेसिंग निकालो, और स्पेसिंग निकालने के बाद वो राउंड ऑफ करो, मतलब जो स्पेसिंग आया उससे कम स्पेसिंग प्रोवाइड करो, तो हमें फिर से एक बार ए एस टी मिल जाएगा, और उस ए एस टी को हमें स्पेसिंग मतलब बार्स में कंसिडर करके स्पेसिंग निकालना है। तो 200 mm सेंटर टू सेंटर। तो अभी अभी क्या हुआ, तो ये जो एस वन एस टू यहाँ का जो सपोर्ट के ऊपर है, तो वहाँ पे ऐसा बार आएगा L/4, मतलब इधर को L/4 और इधर को L/4, दोनों साइड को ये बार ऐसा प्लेस होगा सपोर्ट के ऊपर, 8 mm बार 200 mm सेंटर टू सेंटर। अभी हमने एस वन एस टू के लिए निकाला, ठीक है, सिमिलरली हमें एस वन एस थ्री के लिए निकालना है, एस वन और एस थ्री के लिए सपोर्ट के ऊपर, वो भी L/4 L/4 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एम यू वाई आएगा, मतलब जब भी आप एरिया ऑफ स्टील निकालोगे तो उसका ही अल्फा एक्स अल्फा वाई यूज करने का। फिर एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए इसका एस टू का एस थ्री का अल्फा एक्स अल्फा वाई यूज करने का। तो ये हो गया हमारा ओवर कंटिन्यूस एज एस वन एस थ्री। सिमिलर प्रोसेस आपको करना है और स्टील निकालना है, यहां तक तो सब करते हैं, यहां से सिर्फ दो स्टेप है आई थिंक इसके पीछे ये। तो अभी एट डिसकंटिन्यूस एज, अभी आपका ये तो कवर हो गया, अभी ये डिसकंटिन्यूस एज है, दो एज डिसकंटिन्यूस है। तो उसके लिए क्या है कि क्लॉज है कि एट डिसकंटिन्यूस एज 50% ऑफ द पॉजिटिव स्टील इन द मिडल इज रिक्वायर्ड एट द टॉप। ठीक है, तो मतलब क्या, जो हमने मिडल के लिए जो स्टील निकाला था उसका 50% यहाँ पे टॉप में प्रोवाइड करने का, तो ऐसा क्लॉज है। तो हमारा जो एल एक्स के लिए हमने निकाला था 167.5 निकाला था, उसका हाफ कितना आया 83.75। ओके, सो ये विच इज लेस देन मिनिमम, तो हम फिर से मिनिमम प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 8 bar of 300 mm सेंटर टू सेंटर। सिमिलरली एल वाई के लिए भी हमें करना है। ठीक है, ये हो गया डिसकंटिन्यूस एज के लिए, ये कंटिन्यूस एज के लिए हमने निकाला। अभी क्या होता है, टॉर्शन रिइंफोर्समेंट कहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे फ्री एंड है, मतलब ये जो सारा है, या फिर कॉर्नर वन टू थ्री, इन तीन कॉर्नर पे टॉर्शन रिइंफोर्समेंट लगेगा, इधर कॉर्नर फोर पे नहीं लगेगा, क्योंकि जो कंटिन्यूस होते हैं वहां पे टॉर्शन रिइंफोर्समेंट नहीं आता। ओके, तो टॉर्शन रिइंफोर्समेंट का क्या है, जो हमने मिडल में सबसे ज्यादा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, जितना एएसटी प्रोवाइड किया है उसका 3/4 लेने का, और जो भी आए 3/4 लेके जो भी एएसटी आएगा हमारा, वो एएसटी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहाँ प्रोवाइड करेगा, तो लेंथ ऑफ बार इक्वल टू एल एक्स अपॉन फाइव। तो ये पूरा नहीं करना है, ये सिर्फ इतना ही, एल एक्स डिवाइडेड बाई फाइव, ये इधर को एल एक्स डिवाइडेड बाई फाइव, ये इधर को ऐसा एल एक्स डिवाइडेड फाइव, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर को एल एक्स डिवाइडेड फाइव बाई एल एक्स जितना डिस्टेंस है उसका डिवाइड बाई फाइव करके ये दो डायरेक्शन में ऐसा इधर को प्रोवाइड करने का। ठीक है, सिमिलरली ऐसा, तो वो कितना प्रोवाइड करने का, तो उन्होंने कहा है कि जो भी हमने मिडल में जो दिया है उसका 3/4 करो, और जो भी स्टील आएगा वो स्टील प्रोवाइड करो। तो 126 mm² का स्टील है,
और एलएक्स हमारा था 2700, उसका डिवाइड बाय 5 के करेंगे तो यहाँ से 540 mm तक बार डालना है सपोर्ट से इधर और इधर को, दोनों साइड को। तो हम नंबर ऑफ बार से यहाँ पे निकालते हैं, तो टोटल एएसटी डिवाइडेड बाय स्पेसिंग करेंगे तो 2.5, मतलब 3 बार हमें प्रोवाइड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि 3 बार 8 mm के इन ईच ऑफ द कॉर्नर 4 लेयर में, मतलब ऊपर एक जाली नीचे एक जाली, कुछ इस प्रकार से हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। और ये जो सेकेंड और थर्ड है कॉर्नर को, इसके 50% 2 और 3 पे हमें प्रोवाइड करना है। तो इतना सारा डिज़ाइन इन्वॉल्व होता है टू वे स्लैब या पूरा बिल्डिंग का डिज़ाइन करने में मैन्युअली। सॉफ्टवेयर पर करोगे तो क्या 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन बेसिक आपको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप एरिया ऑफ स्टील चेक करने जाएंगे साइट के ऊपर तो आपको पता होना चाहिए ये फ्री एंड है तो यहाँ पे टॉर्शन रिइंफोर्समेंट, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस एज है, वहाँ पे डिसकंटिन्यूस एज पे उसकी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए कि नहीं, ये चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बहुत लंबा हो गया आज का वीडियो, वन वे कंटिन्यूस स्लैब पे भी हम आगे बनाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएंगे कंटिन्यूस या बिल्डिंग डिज़ाइन के ऊपर, मैन्युअली मैंने बनाए हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।